माई यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मैं नहा चुकी हूँ, शावर ले चुकी हूँ। सुबह के बज रहे हैं अभी साढ़े छः बज रहे हैं और नहा के मैं शावर वगैरह मैं ले चुकी हूँ। आज है बड़ी दिवाली तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा आज के लिए। आज 12 नवंबर है, दिवाली का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो नहा वहा के हम रेडी हो चुके हैं और घर का सारा साफ़ सफाई वगैरह मैंने सुबह ही उठ के कर दी है। पूजा ऑलरेडी मैंने की कर ली है, बट मैं आपको अपने मंदिर के दर्शन अभी ज़रूर कराऊंगी। उससे पहले आप सबको मेरी और पूरी फैमिली की तरफ से, मेरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी 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 वाली हैप्पी दिवाली, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा एंड तक व्लॉग देखना। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलो जल्दी से फटाफट मैं कराती हूँ अपने मंदिर के दर्शन। यहाँ पर जो है मैं आ गई थी, देखो मेरे मंदिर में आप लोगों को दर्शन कराने के लिए, और मंदिर मेरा बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ मेरे लड्डू बाबू तीनों जो है तैयार होकर बैठे हुए थे और यहाँ मैंने पूजा कर ली थी और यहाँ दोबारा मैं आरती ले लेती हूँ। तो अभी जो है गेंदे के फूल की माला पहनानी रहेगी, तो चलो फटाफट वो पहनाते हैं। मैं गेंदे के फूल की माला लेकर आई थी। हम हर फेस्टिवल पे माला जो है माता रानी हर भगवान को पहनाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने भगवानों को यानी माता रानी श्री कृष्ण जो रखी हुई हैं प्रतिमा, उन पर सब पर माला जो है मैं पहना रही थी। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी पहनाने लगी हुई थी। और पूजा जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने ऑलरेडी पहले पूजा कर दी थी और उसके बाद में मैंने ये माला पहनाई थी। तो ये देखो मंदिर कितना जगमग जगमग, बहुत ही सुंदर मंदिर लग रहा था। और सच बताऊँ फेस्टिवल पर मंदिरों में और ही ज़्यादा रौनक आ जाती है और ये लगता है। तो यहाँ पर जो है अब मैं आई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं जीरे का पानी मॉर्निंग में अपनी रूटीन के लिए यूज़ करती हूँ और यहाँ पर मैं पी रही हूँ जीरे का पानी। अगर आप लोगों को भी चाहिए अपना जो फैट है बैली वेट है वो घटाना, तो आपसे ले आपको एक गिलास जीरे, एक गिलास पानी में एक चम्मच जीरा भिगो कर रात सुबह को उसको पका कर छान कर पी लीजिएगा। और यहाँ पर जो है मेरी मम्मी जो है पूजा करने के लिए बैठ गई हैं। और यहाँ पर जो है हमारे घर में मतलब शादी होने के बाद में किसी की भी शादी हो जाती है तो यहाँ पर मिट्टी के ये बर्तन आते हैं, इनमें जो है सुबह को दिवाली की पूजा होती है। मैं चलती हूँ किचन में। तो यहाँ मैं किचन में पहुँची थी और किचन में पूजा के लिए मैं पूड़ियाँ बना रही थी। जल्दी 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 मैंने सारा काम ऑलरेडी खीर पूरी चावल वगैरह में खीर पूरी जो चावल और दाल थी वो मैं ऑलरेडी बना चुकी थी, बस मुझे गर्म गर्म पूड़ियाँ बनानी थी। तो यहाँ पर देखो कितनी फूली फूली मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बना रही हूँ। तो ये पूजा के लिए पूड़ियाँ बन रही थी और फिर मम्मी ने उधर पूजा जो है स्टार्ट कर दी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर पूजा शुरू हो चुकी है और यहाँ पर मम्मी पापा भाई हम सब मिल के पूजा कर रहे हैं। तो वैसे तो लक्ष्मी गणेश की जो पूजा होती है दिवाली पे, बड़ी दिवाली पे, वो शाम को होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो लक्ष्मी गणेश की पूजा तो हर किसी के घर पे शाम को होती है, लेकिन जो पूजा एक और होती है वो सुबह होती है। तो यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल को जो है भोग लगाने के लिए आई हूँ। और यहाँ पर जब भी आप लड्डू गोपाल आपके अगर घर में हों और आप भोग लगाते हों तो कृपया करके उस भोग के अंदर जो है एक तुलसी का जो पत्ता है वो रख लीजिएगा, वो अच्छा होता है, तभी भोजन जो लड्डू गोपाल ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर मुझे ये चावल मिले थे खाने के लिए पूजा के लिए, जो घर की लड़कियाँ ही खाती हैं। फिर मैं खाना जो प्रसाद ग्रहण करने के बाद में लग गई थी घर की डेकोरेशन करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टाइम जो है 11:30 का टाइम हो चुका था और क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था। तो यहाँ पर मैंने जो अपनी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में कर दी है, वरना क्या है कि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा स्पीड में कर दिया है। डेकोरेशन जो थे मैं ये रेडीमेड जो फ्लावर्स हैं मतलब प्लास्टिक वाले फ्लावर्स हैं उससे मैंने डेकोरेट किया था, क्योंकि ओरिजिनल जो फ्लावर्स हैं वो मैं घर के बाहर ही लगाती हूँ, बाकी जो दिवाली की डेकोरेशन करती हूँ मैं वो मैं इसी से करती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक लाइट लगाई थी तो मैं उसको जला कर देख रही थी, मंदिर के अंदर से उसका कनेक्शन लिया था तो वो जल नहीं रही थी और मैंने वो 2-3 बार कोशिश की बट फिर भी वो नहीं जली, क्योंकि जो मेन लाइट का स्विच था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इस वजह से वो लाइट नहीं जल पा रही थी। और फिर यहाँ पर मैंने पापा को बोला लाइट के लिए कि पापा लाइट ठीक कर दो, तो मैंने पापा आ गए थे, ये देखो मेरे पापा आ गए हैं लाइट के लिए देखने के लिए कि ये क्यों नहीं जल रही, हो सकता है इसमें कुछ स्विच में प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से ये नहीं जल रही थी। फिर मैं यहाँ पर तब तक लाइट पापा ठीक करते तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी रंगोली बना लूँ। तो यहाँ पर मैं ना अपनी रंगोली बनाने के लिए बैठ गई थी और ये ना मैंने एक बहुत बड़ा प्लाईवुड का बोर्ड है जिसपे मैंने वाइट कलर का पेंट करके फिर
उस पर रंगोली बनाई थी, क्योंकि नीचे शीट लगी हुई थी तो शीट पे ज़्यादा दिक्कत हो जाती, इसलिए मैंने बोर्ड पर ही रंगोली बना दी। और धीरे धीरे मैं ऐसे रंगोली बना रही थी और मेरी आधी अधूरी रंगोली जो है, तो रंगोली मेरी ये वाली तो पूरी हो गई थी, बाकी ऊपर वाली फ्लोर पर मुझे भी रंगोली बनाने जाना था। और यहाँ पर हम अन्न धन्य के लिए जो है ये छोटे छोटे जो दशहरे पे कुल्लो बोलते हैं, मिट्टी की बर्तन होती है हांडी, उनमें जो है मैं अन्न धन भंडार भरती हूँ, जैसे दाल चावल जो भी आपके घर में होता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जैसे काजू, किशमिश, छुआरे, ये सब होता है, वो सब मैं भरती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी जो ये मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन हैं ये, इनमें मैंने इस तरीके से भर दी थी। और हर एक बर्तन में मैंने एक में जैसे खील रखी थी, एक में दाल चावल गेहूँ और मिश्री। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे भूख लग गई थी तो मम्मी जो है इन कुल्लों पे थोड़ा सा पेंट कर रही थी, बोल रही थी ये थोड़ा सिंपल है, तो मैंने कहा ठीक है तब तक तुम ये करो, तब तक मैं थोड़ा सा पेट पूजा कर लेती हूँ। तो मैंने नहीं, पापा ने यहाँ पे चाय बनाई थी और यहाँ पर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो मम्मी तो चाय पी रही थी, मैं यहाँ पे दाल चावल खा रही थी जो बने हुए थे। फिर मैं खाना खाने के बाद मैं मूर्ति की हाथ धुलकर स्थापना करने लग गई थी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सरस्वती माँ लगाई, फिर उसके बाद मैंने कुबेर जी लगाए, फिर मैंने लक्ष्मी गणेश लगाए थे, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगाए थे। बट साइज़ जो है चौकी का जो साइज़ था वो थोड़ा छोटा था और मूर्ति जो थोड़ी बड़ी हो गई थी, इस वजह से मैंने इनको आगे पीछे शिफ्ट करके लगा दिया था। और फिर यहाँ पर ये मेरे मंदिर का फाइनल लुक था, लाइट पापा ने ऑलरेडी ठीक कर दी थी। और ये देखो रंगोली, इस बार की रंगोली पिछली वाली रंगोली से भी बहुत ज़्यादा सुंदर बनी है। यहाँ पर लक्ष्मी गणेश, कुबेर जी और सरस्वती माँ जो मैंने स्थापित कर दिए हैं, और यहाँ पर जो चीनी खांड के जो घोड़े वगैरह जो भी आते हैं वो मैंने रख दिए थे। फिर उसके बाद मैंने 4:30 का टाइम हो गया था, मैं अपने बालों को क्रिम्पिंग करने के लिए आ गई थी। और मैंने ना सच बताऊं, मेरे फेस थोड़ा सा ना मुझे डल लग रहा था, तो मेरे पास ना एक गोल्ड का फेशियल रखा हुआ था, ये मैंने लगा लिया था, पील ऑफ मास्क रखा हुआ था गोल्ड का, तो वो मैंने अपने फेस पर लगा लिया था। तब तक ये सूखता तब तक मैंने जो है अपने बालों को क्रिम्पिंग कर लिया था। उसके बाद मैं बालों को क्रिम्पिंग करने के बाद मैं ऊपर छत पे आ गई थी सेकंड फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर पे मैंने कुछ इस तरीके की रंगोली बनाई थी। इसकी मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम बहुत कम था। फिर भी वहाँ से नीचे आई मैं, वो रंगोली कंप्लीट करने के बाद में मैं और मम्मी रेडी होने लग गए थे शाम की पूजा के लिए। और मेकअप का जो वीडियो है वो मैं जो है नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और यहाँ पर ये मेरा फाइनल लुक था, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, फाउंडेशन वगैरह ही सब लगाए थे। और यहाँ पर ये मैंने इयररिंग्स जो है निकाले थे, और ये सेट निकाला था जो मेरी ड्रेस से मैच कर रहा था, और ये मेरी ड्रेस है। और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ, और रेडी होने के बाद में ये मेरी ड्रेस है। अगर आपको ये ड्रेस परचेज़ करनी है, ये ड्रेस मैंने मीशो से परचेज़ की है, और तो अगर आपको परचेज़ करनी है इसका लिंक और कोड दोनों मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर दिवाली की जो है पूजा करने बैठ गए थे। और यहाँ पर मैं, मम्मी, भाई, हम तीनों, दिवाली की डेकोरेशन ऑलरेडी हो गई थी और इस बार बहुत सुंदर वाली डेकोरेशन की है हमने। अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने दिवाली की जो डेकोरेशन है वो आप लोगों को कैसी लगी। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी। फिर यहाँ पर जो है हमारी पूजा शुरू हो चुकी थी, मैं भी यहाँ पर पूजा के लिए बैठ गई थी, और मैं आज बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और क्योंकि मेरी ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने रक्षाबंधन के लिए चूज़ करके रखी थी, बट रक्षाबंधन पर थोड़ा मुझे ना तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं इसको नहीं मंगा पाई थी, और इसलिए मैंने ये दिवाली पर मंगा ली, मैंने फिर पहन ली। मुझे बहुत पसंद आई ये ड्रेस पर्सनली, आप भी इसको ज़रूर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है जल्दी जल्दी हमने पूजा की, और यहाँ पर मम्मी, मैं, पापा, हम सब लोग जो है पूजा कर रहे थे। हम जो है हमन कुंड में आम की लकड़ियाँ जलाकर फिर उसके बाद में पूजा करते हैं। जल्दी जल्दी हमने सारे दिए लगाए, और यहाँ पर ये देखो, और सच बताऊँ एक बात आपको मैं और बता दूँ, मैं सबको यहाँ पर तिलक लगा रही थी, भगवान जी को तिलक अर्पित कर रही थी, ये देखो। और फिर उसके बाद मैंने तिलक लगाया सभी को, मम्मी पापा भाई सबको लगाया तिलक मैंने। फिर ये देखो मैंने यहाँ पे, फिर उसके बाद में हमने जल्दी जल्दी पूजा कर ली। पूजा करने के बाद में हमने फिर आरती की, और यहाँ पर मेरे मम्मी पापा खड़े होकर आरती कर रहे हैं और मैं जय गणेश जी की आरती गा रही हूँ। और फिर मैंने ओम जय जगदीश की आरती गाई। फिर यहाँ पे मेरे पापा जो है कैमरे के सामने खड़े हो गए थे। फिर मैंने बोला पापा को, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं थोड़ा आरती करने में लगी हुई थी। फिर मैंने बोला पापा को कि पापा थोड़ा साइड हो जाओ, क्योंकि मैं आरती करने में बिजी थी, और यहाँ पर मेरे पिताजी खड़े हो गए। फिर मैंने बोला साइड हो जाओ, साइड हो गए पापा। फिर ये देखो हम लोग करने लगे
आरती यहाँ पर मेरा कज़न आ गया था जो मम्मी पापा हम सबके पैर छू रहा था, उसने बोला मैं भी आरती में शामिल हो जाता हूँ, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ, तो वो भी आरती में शामिल हो गया। यहाँ पर जो है हमने जय गणेश की आरती कंप्लीट करी, उसके बाद में जो है हमने फिर ओम जय जगदीश की आरती कंप्लीट की, और यहाँ पर मेरा भाई जो कैमरे को ठीक से सेट कर रहा है, और ये देखो ओम जय जगदीश की जो है आरती यहाँ पर शुरू हो गई है। आरती शुरू होने के बाद फिर जल्दी जल्दी ख़त्म की हमने, फिर हमने पापा को जो है कलावा पहनाया, पापा मम्मी हम सबको कलावा पहनाते हैं, फिर उसके बाद में जो है मैं भी अपने लिए टीका, मम्मी ने मेरे को तिलक लगाया यहाँ पर, और यहाँ पर देखो थोड़ा सा ना कैमरे के पास में बार बार मम्मी खड़ी हो जा रही थी, फिर उसके बाद में मैंने सभी को भोग लगाया, और फिर भोग लगाने के बाद में हमने सबने धूप दीप ली, फिर उसके बाद में जो है पापा वगैरह सब लोग चले गए थे दिए हमारे घर के पास ही मंदिर है, मंदिर में दिया जलाने के लिए मैं मम्मी के साथ में मंदिर में आई थी। मैंने यहाँ पे शंखनाद किया, जय गणेश की आरती गाई, और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो शूट किया। मंदिर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर सारे भगवान स्थापित किए गए हैं। यहाँ पे मैंने अपनी मम्मी को बुलाया कि मम्मी आओ आप भी वीडियो में आ जाओ, यहाँ पर मम्मी आ गई, फिर मैं फटाफट से अपने घर पर आई, और यहाँ देखो मेरे लड्डू बाबू कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने लड्डू बाबू के जो कपड़े हैं मेरा भाई वृंदावन घूमने गया था वहीं से लेके आया था, तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे मेरे लड्डू बाबू तीनों। फिर क्या था, फिर जल्दी जल्दी फिर जो है हमने पूजा कंप्लीट की, फिर मैंने बनाया खाना। खाने में शाम को मैंने बनाए थे ब्रेड पकोड़े, फिर खाना खा के मैं चली गई ऊपर छत पे, और ये देखो कितना सुंदर व्यू था। मैं जो है शाम को जब दिए जलते हैं तब का वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बिजी थी बहुत ज़्यादा, और ये फिर कुछ 9:30 बजे का वीडियो मैंने शूट किया था, आप लोगों को दिखाया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं छत पर गई थी और मैं मम्मी के साथ छत पर गई थी कैंडल वगैरह लगाने के लिए, तो यहाँ पर मैं देखो अपना घर का दिखा, तो ये हमने अपने घर पर कुछ इस तरीके से लाइट्स वगैरह लगाई हुई थी और बहुत सुंदर हमारा घर लग रहा था। यहाँ पे मैंने फिर एक कैंडल जलाई, कैंडल देखो इतनी ऊंची चली गई थी, वीडियो शूट करने के लिए कोई था नहीं, तो ये मैंने फिर बाद में वीडियो शूट की आपको दिखाने के लिए कि मैंने भी कुछ कैंडल्स वगैरह लगाई हैं। फिर मैंने जलाया एक अनार, जो यहाँ पर देखो मैंने लगा दी थी, फिर एक अनार, अनार मेरे भाई ने लगा दिया था, यहाँ पे मैंने लगाया अनार में, और यहाँ पर मैंने अपनी दिवाली को इस तरीके से सेलिब्रेट की। अनार जलाने के बाद में जो है मैंने फिर जलाई थी चक्री, उससे पहले मैं कपड़े चेंज करके आ चुकी थी, और फिर मैंने जलाई यहाँ पर गोल घूमने वाली चक्री, और ये मैंने बीच वाली फ्लोर पे जलाई थी, बट ये जल नहीं रही थी, कभी जल जा रही थी कभी बुझ जा रही थी, फिर मेरे को डर भी लग रहा था कभी ये पटक ना जाए, बट फाइनली ये चक्री जो है जल गई। फिर जो है चक्री जल, मुझे ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद है, पर ये ज़्यादा देर तक नहीं जली। फिर मैंने जलाया एक मोटा वाला अनार बम, और ये बहुत, ये काफ़ी मतलब मैं इसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, ये देखो फिर मैंने थोड़ा सा जो है रंगोली कितनी प्यारी लग रही। फिर मैंने एक और अनार जलाया, फिर उसके बाद में हमने एक और चक्री जलाई, और फिर यहाँ पर जो है मेरे दूसरे फ़ोन से मेरा भाई जो है आईफोन से जो है वीडियो शूट कर रहा था। फिर वीडियो शूट करते करते मैं जो है बम ना यहाँ पर एक छत पर मैं आई थी, और छत पर जो है ना किसी ने बम की, जो शादी में बम लगते हैं उसमें पेटी में जो लगा के जलाते हैं कुछ इस टाइप की, तो वो लगाई थी और बहुत अच्छे लग रहे थे, आसमान में रंग बिरंगे से लग रहे थे। तो क्योंकि मैंने तो बहुत ही कम बम जलाती हूँ, तो मैं यहाँ पर इसकी वीडियो शूट करने लग गई। फिर भाई आ गया था, भाई के साथ में जो है हमने फिर कैंडल लगाई, कैंडल जड़ाई, क्योंकि मैं हर साल जो है कैंडल ही लगाती हूँ, मुझे बम वगैरह कम पसंद है, और यहाँ पर मैं जो हूँ भाई की वीडियो शूट कर रही हूँ। फिर मैं नीचे आ गई थी यार, बहुत ज़्यादा थक गए थे, नीचे आने के बाद में जो है कैंडल वगैरह लगाने के बाद में जो मेकअप पोता था, लिपा पोता कराई थी फेस पर करी थी सॉरी, तो वो फिर जल्दी 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 फिर मैंने स्क्रबिंग करके और फिर मैंने जल्दी से फेस वॉश करके छुटा दिया, देन उसके बाद जो मैं फिर रेस्ट करने के लिए चली गई।